गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के अंदर आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड जो 6 है वो सेम दे रखे हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाई 3। यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको राइट करना है 1 डिजिट, तो सिंगल डिजिट होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आप राइट कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 0 तो राइट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट नंबर है यहाँ पे, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक राइट कर सकते हो, स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो कौन सा राइट कर सकते हो 1 या 2 या 3 जो भी है, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा राइट कर सकते हो 9 से 9 होगा या 8 होगा या 7 होगा, वहां से किस प्रकार से चेक करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप बीच में नंबर है तो बीच में आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक कौन सा नंबर आप स्मॉलेस्ट राइट करोगे और किसके अंदर आप जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर जो है कौन सा राइट करोगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या पैटर्न था इसका, प्लस करना था नंबरों को। इसके जो ब्लैंक है इसकी वैल्यू जो है अपन फाइंड करेंगे ए मानेंगे इसको, तो ऐड करेंगे ए प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ए प्लस 6 7 2 और 4, सभी को प्लस करेंगे तो 6 और 4 मिला के होगा 10, 10 और 2 मिला के 7, 17 और 2 मिला के होगा 19, ए प्लस 29 हो गया, मतलब 19 हो गया, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए इक्वल इधर रहेगा, 19 इधर चला जाएगा। तो इसमें क्या करना आपको, स्मॉलेस्ट नंबर 19 के बाद में कौन सा नंबर आएगा जिसके अंदर आप 3 का डिवाइड दे सकते हो, यानी 3 की टेबल में आपको देखना है कि 19 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 20 में डिवाइड जाता है क्या 3 का, नहीं जाता है 21, तो 21 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है, तो क्या ऐड कर सकते हो आप 21, तो 21 में आपको लेस करना 19, 21 माइनस 19 इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका 2, एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 3 की टेबल में अभी हमने तो यहाँ पे राइट किया इसके पास में कौन सा नंबर आ गया 2, अब आपको राइट करना है जैसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 ऐड करना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 29, तो 19 में जैसे 9 ऐड करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9, तो 19 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 28, लेकिन 28 आपका 3 की टेबल में नहीं आता है, फिर 19 में क्या प्लस करेंगे 8 प्लस करने पे कितना हो जाएगा 27, तो 27 है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब हम जो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या ऐड कर सकते हैं 8, यानी 19 प्लस 8 इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 9 आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया नंबर को प्लस करना है, प्लस करने के बाद में आपको देखना है कि इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है, 19 नहीं है 3 से डिविजिबल, इसके बाद में आता है 20 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर इसके बाद में आता है 21 3 से डिविजिबल है, तो 21 लाने के लिए 19 में कितना प्लस करना पड़ेगा 2, यानी 21 में से आपको 90 लेस करना, तो क्या होगा 2 स्मॉल नंबर होगा। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या कौन सा आपका वन डिजिट का 9 होता है, 9 ऐड करेंगे तो नंबर तो अपना कितना हो रहा है 28, लेकिन 28 3 की टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर उससे स्मॉल नंबर क्या है 8 ऐड करने पे होता है टोटल 27 आपका डिविजिबल है 3 से 9 टाइम में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 8, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, इसमें 2 ऐड कर सकते हो और 8 भी ऐड कर सकते हो, इस प्रकार से आप ये 2 नंबर्स बना सकते हो, दोनों ही नंबर आपके 3 से डिविजिबल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है इस नंबर के अकॉर्ड। क्वेश्चन बी है, सभी नंबर को प्लस करना है, यहाँ पे ए मानेंगे इसको, तो आपको प्लस करना है 2 प्लस या इधर से ऐड कर सकते हो जैसे 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, टोटल कितना हो जाएगा 4 7 6 5 ए और प्लस 2 मिला के जाएगा ए प्लस 24, अब 24 है वो डिविजिबल है, कौन सा नंबर आएगा 24 आता है 3 के जिससे डिविजिबल, तो ए की वैल्यू जाएगी 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 0, स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट डिजिट
इसके बाद में जो नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, जीरो अगर तो सेकंड क्या आएगा, नाइन ऐड करेंगे तो 24 में नाइन ऐड करने पे क्या आ रहा है आपका 33, 24 प्लस 9 इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 11 आंसर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, नाइन आंसर। तो यहाँ पे आप जीरो और नाइन दोनों ऐड कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाई थ्री सॉरी बाई इलेवन। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे वन नंबर राइट करना जो आपका इलेवन से डिविजिबल हो। तो स्टार्ट करते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना था, इनको जो ओड नंबर पे जो नंबर्स होते हैं, ओड पे जैसे 1 पे है, ये 3 पे है और ये 5 पे है, इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे और इसकी जो वैल्यू अपन ए मानेंगे यहाँ पे या एक्स मान सकते हो आप। सबसे पहले ऐड करना है ओड नंबर वाले को, 9 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 9 और 3 मिला के हो जाएगा आपका 9 और 3 12 और 2 मिला के हो गया 14। इवन नंबर हो है उनको ऐड करेंगे तो 8 प्लस ए प्लस 9 इनको ऐड करने पर जाएगा 17 प्लस ए। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है, सेवनटीन माइनस 14 ए इक्वल टू 3 कितना आ रहा है 3। लेकिन जो 11 है जो नंबर है वो 11 से कब डिविजिबल होगा, नंबर या तो जीरो होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो आप लेस नहीं कर सकते इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे राइट करना है, क्योंकि माइनस का नंबर राइट नहीं कर सकते यहाँ पे, आपको क्या करना प्लस का नंबर राइट करना है। तो कौन सा नंबर राइट करेंगे, थ्री के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 11 आएगा जो आपका डिविजिबल है किससे, 8 से सॉरी 11 से। तो ये आपको 3 में प्लस करना है, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, तो यहाँ पे राइट करना आपको 8 नंबर, 11 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 1। क्वेश्चन बी सेम इसी प्रकार से, फोर प्लस 4 प्लस ए 8 प्लस ए इवन नंबर है, 8 प्लस 9 प्लस 8 इक्वल टू 25। डिफरेंस फाइंड करना है, ए इक्वल टू 25 माइनस 8 ए इक्वल टू 25 में से आपको क्या लेस करना है, 8 लेस करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। 16 में क्या प्लस करेंगे, 16 प्लस 6 इक्वल टू 22, 22 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 2। तो जो नंबर है वो ऐड करने वाला वो क्या है 8, तो यहाँ पे ऐड करना आपको सॉरी 6 नंबर है, तो ये 6 नंबर आप ऐड करोगे इसमें तो 22 होगा, 22 डिविजिबल होगा 11 से 2 टाइम है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।